दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है Realme Narzo 50 Pro 5G वर्सेस Redmi Note 11 Pro Plus स्मार्टफोन। और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले तो भाई यहां पर दोनों स्मार्टफोन के अंदर एकदम तगड़े वाले हैं, लेकिन फर्क आ जाता है तो सिर्फ हाईर रिफ्रेश रेट का, क्योंकि Redmi वाले हमें 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट दे रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं अगर मैं बात करूं पिक्सल डेंसिटी की, तो यहां पर Realme फोन के अंदर है 411 PPI की, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन के अंदर है 395 PPI की। यानी कि दोस्तों पिक्सल डेंसिटी के मामले में भाई यहां पर Realme का फोन विनर है। और आपको बता दूं कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। और वहीं अगर बात की जाए स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Redmi का फोन Android 11 के साथ में आता है, जो कि Mi UI 13 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में Realme का फोन ही विनर है। और अब बात करते हैं दोस्तों चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें Dimensity 920 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि Redmi के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों चिपसेट के मामले में जो हमें Realme के अंदर Dimensity 920 मिल रहा है ना भाई, तगड़ा चिपसेट है। और वहीं अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन के AnTuTu स्कोर की, तो यहां पर Realme फोन का आता है 4,95,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन का आता है 4,05,000 के करीब। यानी कि दोस्तों आप साफ-साफ देख पा रहे हैं कि भाई AnTuTu स्कोर में कितना ज्यादा फर्क है। यानी कि दोस्तों AnTuTu स्कोर के मामले में Realme का फोन ही विनर है। और आपको बता दूं कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों Realme की। तो Realme के फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप यहां दोनों स्मार्टफोन के अंदर तगड़ा है। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहां पर Realme के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Redmi के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहां पर Realme का फोन ही बेस्ट है। और आपको बता दूं कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और वहीं अगर बात की जाए वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें EIS टेक्नोलॉजी दी गई है। वैसे यार अगर सही बता रहा हूँ OIS होती ना तो ज्यादा बढ़िया रहता। और अब बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि सेल्फी लवर्स के हिसाब से तो भाई यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन तगड़े हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन फर्क आ जाता है तो सिर्फ फास्ट चार्जिंग का, क्योंकि यहां पर Realme का फोन सिर्फ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi का फोन 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक तगड़ी फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहां पर Redmi की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं स्पीकर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। यानी कि भाई म्यूजिक लिस्निंग के हिसाब से तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन तगड़े हैं। और वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो यहां पर Realme फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि भाई एडिशनली हार्ट रेट मॉनिटर का भी काम करेगा, काफी अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों फेस अनलॉक भी दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। भाई कब तक रहोगे वैसे तुम इनसाइड पे, कभी अंडर डिस्प्ले भी दे दो, हमें भी खुश कर दो।
और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि रियलमी फोन के 6 प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 21,999 रुपये, वहीं दूसरी तरफ रेडमी फोन के 6 प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 20,999 रुपये। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, रियलमी को या रेडमी को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए।